जुबैदा जुबैदा तने मेरे बच्चों तो नहीं देखा? देखा है तेरे बच्चों नु भी ते तनु भी देख ला सा। क्यों खैर होवे वत क्यों होया वे के होया आज वत तेरे मुस्तफा ने मेरा कला पान छोड़ा है। ए ते बहुत बुरा किता ने तू सरकार के तू आज उन्होंने पकड़ के मेरे हवाले कर देना तू देख के मैं तेरे सामने उन्होंने क्या हाल करनी ओ मेरे हथे लग जांदे ना ते मैं उन्होंने आप पूछ लंदी पर पूरे छलावन छलावा देखते ही देखते जंगल दी तरफ हवा हो गए। आज तेने मासी जुबैदा नु बहुत तंग किते है ना फिजा बहुत मजा आया ना मुश्तबा तेनु याद है कि अबू कहंदे है कि दरख्त बूटे ए जड़े माहौल दी खूबसूरती दे नाल नाल इंसान दी जीने दी उमंग भी पैदा कर देन। यस और ऑक्सीजन भी। पर वो आपी शहर इतने घने जंगल क्यों नहीं होंदे? इस वजह के शहर दरख्तां ते परिंदियां दा नहीं इंसानां दा जंगल होंदा है। लगता है आज वत कोई मासूम दरख्तों नु काटता पिया है। आज नजर तो दा कादिर साढ़े को बच के जा सकता है। अगर असि जंगल की लकड़ी न कट सी ए फर्नीचर ए सामान ए गेम का सामान ए किस तरह बन सी मुल्क सड़क किस तरह तरक्की कर सी। चलो अजय नंगो शाबा मैंने तुम्हें हजार बार मना किया है कि जंगल वाला आया करो। चलो ख्याल कर जंगल तरफ ना आया करो। सोनिया सोनिया बेटा जी अब्बा जी आई बेटा मैं आवाज़ पे आवाज़ कर रहा हूँ किथे रह गई? अब्बा जी मैं सोडे वास्ते खाना पी तैयार करनी आई हूँ। गुड अच्छा बेटा इधर आ ए वन मेरे मरहूम दोस्त आसिफ दे बेटे वासिफ ते इत्थे फॉरेस्टर बन के आए ते कमाल दी गल ते ए वे के साड़ी ब्लॉक ते दी ड्यूटी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम
अच्छा बेटा इस तरह कम करके बेहतरीन किस्म का खाना तैयार कर। वासर साहब पहली बार साढ़े घर मेहमान बन के आए। जी बेहतर। अच्छा हाँ बेटा सबसे पहले इन्हू पानी पिला क्योंकि ये बहुत दूर सी पैदल चल के पया दे। बैठो 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 वासर साहब बैठो बैठो इजी होके बैठो। ये थोड़ा अपना कार है मैं थोड़ी हाजिर होना। ठेकेदार साहब जिस तरह सुने हैं उस तो ज्यादा बेहतर ते दिलकश पाया है तुहाडे घर ते और बहुत कुछ। फिजा ते डर दे मारे सो गई है लेकिन तुसी मेरी गल कान खोल के सुन लो। अगर तुसी दोबारा जंगल वाल गए तो मेरे से बुरा कोई ना उसी। आखिर क्यों गिरां ते और बच्चे भी ते जंगल वाल जान दें ना। ना कार खेड़ने इजाजत दें दे हो ना बार दी। मैंने कदों तुहानू खेड़ने से मना किया है। तुसी पढ़ाई खत्म करो तुसी बात खेड़ो ना लेकिन जंगल वाल जाना नो नेवर। अम्मी जान अज तुहानू बताना ही पैसी कि तुसी हमेशा सानू जंगल वाल जाने से क्यों रोकते हो। मैंने लोका सी थोड़ा बहुत सुना आया मनु आज सच बताओ कि आखिर गल के वे। आज मैं तुम्हें गल बतानी हूँ लेकिन फैसला मुझे गल ना बताना पूछना बहुत छोटी है। एक दिन थोड़ा देर के बाद इसी जगह लग गया है। बस स्त्री हो गया जी। उरुसा ए बच्चे सवेले सवेले नजर नहीं पे आंदे। बच्चियां नु मने शाह बाबा कोल भिजवाया है कुरान खानी वास्ते। ए ते तने बहुत अच्छा कीता। शाह बाबा कुरान दी तालीम नाल नाल नमाज दी दुरुस्त करा दे सन बच्चियां दी। बिल्कुल ठीक इफ्तिखार। अच्छा उरुसा अंदर सी मेरी गल लिया। इफ्तिखार एक गल कहवा ने मुन स्वाडे हाथ ने शिकार ए बंदूक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उरुसा मुन कदो अच्छी लगती है लेकिन ए तो सिर्फ प्रोटेक्शन वास्ते जरूरी है। इफ्तिखार थोड़ी गल ठीक है कि असला एक तरफ तहफ़ुज़ देंदा है लेकिन दूसरी तरफ जान भी लेंदा है। गल तो तेरी भी वजन सी खाली नहीं गई लेकिन के करिए मजबूरी है। अरे तू जा ना गन तो ले आना। अच्छा चले ना दे अभी मेरी जॉब हो गई है। के? हदिल जॉब?
वाकई ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। इफ्तिखार सुन से तो बहुत ज्यादा खुश हुई। इफ्तिखार भी है किधर है? बड़े जल्दी चाहिए कहते कि कुछ मसला है, उन्हें जंगल वाले। अच्छा मैं जाके उन्होंने उधर ही मिलता हूँ। उन्होंने जब पता चल सी ना तो बहुत ज्यादा खुश हुए। हेलो हेलो हाँ वासिफ आदिल क्या ले यार मैं तुम्हें पता है बहुत ज्यादा खुश हूँ। आदिल मेरी गल सुन। आदिल एक्चुअली मेरी जॉब इफ्तिखार भाई नु किसी ने गोली मार दी है। किसने? अब मैं उसको नस्ते हुए देखा है। अगर वो सामने आवे तो मैं उसको पहचान ले सा। इफ्तिखार भाई ने किसी ने गोली मार दी थी। के इफ्तिखार गोली नहीं नहीं इफ्तिखार कोई गोली नहीं मार सकता। शुरू कर मैं नहीं नहीं ठेकेदार हशमत दे एफ आई आर कटवाई है लेकिन गवाह देना होने की वजह नाल वो कुछ अरसे बाद रिहा हो गया है। उन्होंने दिनों से साड़ी दुश्मनी चलती आई है। देखो बच्चों मैं इसी वजह नाल तुहानूं जंगल वाल नहीं जाने देनी हाँ। मैं वड्डा होके फायर अफसर बन सा देख सा फिर क्या टिमर माफिया जंगल की कटाई कर दे। जंगली अम्मी तुहाने सुनिया इन्हें मैंने वह जंगली किया? हाँ किया। फिर मैं तो प्रोफेसर बन सा इलम दी रोशनी फैला सा। देखो बच्चों तुसी तालीम कर सो ते फॉरेस्ट अफिसर ते प्रोफेसर बन सो ना। अगर तुसी इसी तरह शरारत करते रहो वध ते तुसी कुछ भी नहीं बन सकते हो। सॉरी अम्मी। सॉरी अम्मी। मेरे बच्चों अगर तुने अपने प्यो दे ख्वाबां नूं हकीकत दा रंग देना है ते वध तुहानूं बहुत मेहनत करनी पैसी अपनी एजुकेशन ते। तुसी पैकिंग कर लेना कल असीं वापस सिटी जासीए। चंगा नहीं लगे? ओ नो नो मेरा मतलब ये नहीं मैं। ओ दरअसल अब्बा जी घर नहीं गए इस वास्ते। आओ प्लीज। एक्चुअली मैं आज फॉरेस्ट ऑफिस के आया हूं ते ठेकेदार साहब दा परमिट बने दा है मैं क्या घर जाके दे देवा। शुक्रिया तुसी बैठो मैं तोड़े वास्ते चाय बढ़ा के ले आनी है। नहीं अच्छी गल नहीं की क्योंकि ठेकेदार साहब घर नहीं गए। नहीं प्लीज बैठो मैं दो मिनट में तुसां से चाय बढ़ा के ले आनी है। चलो एज यू लाइक। आसिफ साहब तू दे थे? अदरीस तू वासिफ साहब तनु ठेकेदार साहब दे गैर मौजूदगी इत्थे नहीं आना चाहिदा है। ठेकेदार साहब इस गल नु बहुत महसूस कर दे। एक्चुअली मैं ठेकेदार साहब दा परमिट लेके आया वरना 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 छोड़ उन ठेकेदार साहब आज सन तू जल्दी कर तू निकल यार तेरे वसी यही बेहतर है कि तू जावे। ओ तू मेरी गल ते सुन। ओ यार तेरी की गल सुना ठेकेदार साहब आज सन ओके सोच से तू चल ओ यार तू चल। वासिफ साहब ओ जी उन्होंने कोई काम याद आ गया तो चले गए। मैंने बड़ा रोके उन्होंने तो कहने के जी बात आ जैसा सर सर्जिकल वार्ड का राउंड करने से बाद तुम्हारे लिए पाया नहीं बात किसी मरीज से कोई
सर इख्तलाफात राय जरूर है लेकिन इस बार मरीज की मर्ज से नहीं बल्कि डॉक्टर्स के मसले पे ठीक है लेकिन मैंने एक जरूरी काम वास्ते फैक्ट्री जाना इससे करने है कि फिर किसी दिन बैठ के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले सी नहीं यार वाकई यार ये तो बड़ी अच्छी खबर है बल्कि मैं अगर सो कहवा ना कि ब्रेकिंग न्यूज है तो गलत ना उसी और चले तुझे इश्क हो गया मोहब्बत हो गई तुझे कुड़ी पसंद आ गई यार कमाल है यार अच्छा चल देख इस तरह है ना कि मैं तेना फिर डिस्कस करना से डिटेल से ठीक है हाँ हाँ करना वा ना यार ओके ओके टेक केयर अल्लाह हाफिज की गल है आदिल सर किस रूम से गल्ला पियो दिया वन ओ मेरा एक दोस्त है लेकिन उस बेचारे के माँ प्यो भी नहीं इस दुनिया से लेकिन पता एक बड़ी अच्छी खबर है खबर ये है कि उसनू एक कुड़ी दे नाल इश्क हो गया प्यार हो गया उसनू कमाल है एक तेरा दोस्त है कि जड़ा अपनी मोहब्बत नू हासिल करने वास्ते तेरे अगे तरले पे पांदा वे एक तू है जिसकी मोहब्बत उसके सामने वे पर उसनू इंतजार किसी होर दा पता नहीं वो मॉडर्न कुड़ी किथे चली गई मुड़ के आसी भी कि ना नहीं मिस वो कुड़ी दूसरी कुड़ियों से बहुत मुख्तलिफ है बहुत लविंग केयरिंग मुझे यकीन है कि एक दिन वो जरूर वापस आएगी जी 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 एमडी साहब तशरीफ ले आ चुके वन फैक्ट्री जी वो फैक्ट्री दे विजिट होते वन जी जी राइट सर राइट ओके मैं भी जरा जा रहा हूँ फैक्ट्री ठीक है सर मशीन बहुत मसला पे कर दी पई स्टीम लेकी से के खत्म ही नहीं होती अब सर एक्चुअली वलीदा दे कहने दा मकसद है कि मशीनरी दे कुछ पार्ट्स ऐसे जेड़े सब इंपोर्ट करने पैसे जी लेकिन वलीदा तेरी हुनरमंदी दा क्या कहने दा भाई तू अपना दिमाग लड़ा अपने सीनियर्स जेड़े ने फिटर्स उन्हें नाल शामिल कर मशीन नु ठीक करने दी कोशिश कर जाओ किसी ने जी हां आदिल न्यू लाइन एंड कोनो माल दी सप्लाई वासिफ सर तू कैसे क्यों तू मैंने देख के हैरान क्यों हो गई अगर तेनु मेरे में किसी ने गल कट कर दियो देख लेता ते ऐली बदनामी सुके दी बस अब्बा जी भी आंदे उस ने थे तेरे अब्बा जी नु पता है कि मैं उनारे मरहूम दोस्त आसिफ दा पुत्र हां जी जी जनाब नु अच्छी तरह मालूम है अब्बा जी दी तबीयत दा हर वक्त दा वास्ता है तेरा अब्बा जी ने अच्छा है सोनिया तेरे नाल मुलाकात हो गई मैं जदों दा तुहानू देखा तेरे बारे च ही सोचता रहा तू इसे क्या कर रहे एक्चुअली ठेकेदार साहब मैं पता करने वास्ते आया कि तुहानू परमिट मिले है या नहीं मिले है अगर परमिट ही देना ही ना तो डेरे से छोड़ दे तो ना पूछे बंदूक पकड़ा बनू ते वासफ साहब भी चाह पिला दे
चल सो लिया। वासिफ, तू जड़े ख्वाब पे देखना पिए ओ मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। मुंशी, कोशिश करने च हरजी के वे। तू अपना यार बेली है, तनु समझाना मेरा फर्ज है। किधर शिकार दे पीछे दौड़दे दौड़दे खुद शिकार ना हो जाए। मुंशी, तेरे मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। वासिफ है तो अपना यार बेली, पर अगर सोनिया ते ठेकेदार साहब के करीब हो गया तो फिर तो मुंशी इदरीस तेरा काम बनने वाला नहीं गया।